हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन कबाब। इसके लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया था। मैंने थाई और ब्रेस्ट दोनों पीसेस को लेकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 अंडा, 2 चीज़ के क्यूब को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 1 कप हरा धनिया और पुदीना जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है वो मैं ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी, आप चाहो तो बटर भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ब्रेड क्रम्स, ये घर में मैंने ब्रेड को पीस के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इमीडिएटली बना सकते हैं। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 1 घंटा हो गया है, अब हम चिकन के कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरह एक पोर्शन लेंगे, इस तरह हम फ्लैट कबाब बनाएंगे। सभी कबाब मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं। अब एक पैन को मैं हीट करने के लिए रख दूंगी। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, आप चाहो तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है। एक साइड से कबाब फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी कबाब को हमने इस तरह निकाल लिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारे कबाब बनकर रेडी है, हम इसे लेमन जूस और चाट मसाला डालकर सर्व करेंगे। आप इसके साथ हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।